नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यूसर के स्टूडियो में पुनः स्वागत है। आज हमारे यहाँ केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत उत्तराखंड में जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें विश्व स्तर के फैकल्टीज हैं, उनमें से एक डॉक्टर सैफारी अरोड़ा जी हैं जो आज हमारे बीच में हैं। आपका जो कार्य करने का जो क्षेत्र था पीएचडी कार्य के दौरान, शोध के दौरान, वो था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे सिंथेसाइज किया जाए लेबोरेटरी में, यानी सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपने आईआईटी रुड़की से पीएचडी करने के उपरांत पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारी आपने बुक्स लिख रखी हैं, 32 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं, साथ ही साथ आपका शिक्षण कार्य एवं शोध कार्य भी अनवरत चल रहा है। तो मैं आज मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र के, जो विज्ञान की विशेष रूप से केमिस्ट्री की जटिलताओं से जूझते रहते हैं, उन्हें सरलतम रूप में हम किस तरह केमिस्ट्री को पढ़ा सकते हैं, तो ध्यान चाहूंगा कि आप उस पर ज्यादा फोकस करें ताकि हमारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। तो मैडम आपका स्वागत है, प्लीज आप। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फंडामेंटल टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक है जिसके बिना आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ नहीं पाएंगे। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, राइट? तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड केमिस्ट्री ऑफ कार्बन में बहुत सारे नए नए तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें जब भी कंपाउंड बनते हैं तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सबस्ट्रेट, फिर उसके बाद रिएजेंट, और ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें मिलता है प्रोडक्ट। बट ये रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं होती जैसे कि यहां बोर्ड पर दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को देखने से पहले ये आता है कि सब्सट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है एंड इंटरमीडिएट क्या होता है और ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले सब्सट्रेट। सब्सट्रेट एक वो स्पीशीज है, वो एक चीज है जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, राइट? और रिएजेंट क्या है, जो कि सब्सट्रेट पर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सब्सट्रेट जिसपे कि रिएजेंट अटैक करेगा, रिएजेंट जो कि सब्सट्रेट पे अटैक करेगा, और ये दोनों अटैक करके बीच में कुछ नई चीजें बनाएंगे, इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना होगा और ये आपके प्रोडक्ट में चेंज होंगे। अब यहां पे हमने दो नाम क्यों दिए हैं, जैसे कि मैं आपको कह रही थी इंटरमीडिएट भी बनते हैं और ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। तो इंटरमीडिएट में भी बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना, ट्रांजिशन स्टेट में भी बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बट द लाइफ स्पैन, जो इनकी लाइफ स्पैन है, जो इनका आयु काल है, वो इस ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट का जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू नैनो सेकेंड से लेके आपका थोड़ा सा फ्यू मंथ्स तक आपका चला जाता है, बट ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है, एक वन वाइब्रेशनल सेकेंड के दौरान होता है। सो वी कैन आइसोलेट, हम इसको इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं, बट हम ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री को बता सकते हैं, बट हम ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री को नहीं बता सकते, और इंटरमीडिएट आपके तुरंत ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब जब ये आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है जिसमें कि सब्सट्रेट है, रिएजेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इन सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन रिएक्शन को आपके इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट थिंग दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहला फैक्टर है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज
मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी इफेक्ट्स जो मैं यहां लिखूंगी एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। थर्ड इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फोर्थ इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फिफ्थ इज द रेजोनेंस। दीज आर द मेन फैक्टर and these three effect, inductive, mesomeric and electromeric effect are the same effect. Somehow kuch thoda sa difference hai isme, wo hum yahan pe discuss karenge. To hum start karte hain with the inductive effect. As jaise ki iska naam se pata chal raha hai, inductive, to ye kahin na kahin ek dusre se influence hoenge, ek dusre ke प्रभाव में आएंगे और आपका कुछ इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए कोई भी अगर हम बॉन्ड बनाए, फॉर एग्जांपल H2, राइट। अब H2 है, H2 इज मेड अप ऑफ एच एंड एच। यहां पे इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहां पे बीच में आपका शेयर हो रहा है। अब यहां पे बिकॉज दिस, ये हाइड्रोजन ये आपके सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल इनके बीच में आपका सिचुएटेड है, बीच में ही रखा हुआ है। अगर मैं H2 ना लेके HCl लूं, तो HCl इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं जैसे मैंने ऊपर लिखा है, और ऐसे भी लिख सकती हूं। In this case, this electron pair आपका shift हो जाएगा towards the more electronegative atom. अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा electronegative atom है? जब हम periodic table में left से right जाते हैं, यानी कि first group से लेके seventh group तक जाते हैं, fluorine, chlorine, bromine, iodine, right? In a periodic table seventh group में, right? तो जब हम फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये सब आप 12th में पढ़ चुके हैं। अब यहां पे ये हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में है, ये आपका सेवन ग्रुप में है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसने इसको दे दिया, तो यानी ये तो बहुत धनवान था, धनी सेठ था, तो इसके पास, क्योंकि इसको पॉजिटिव फीलिंग आ गई कि मैंने कुछ दिया, तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव, इसको नेगेटिव फीलिंग आ गई, ओहो मैंने इससे कुछ ले लिया, तो यहां पे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह का इफेक्ट आपका कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं सम अप करूं तो मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या आप कहें कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट होना टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इफेक्ट आपका कहलाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसके बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करें कि ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट फीचर में कि ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। सैचुरेटेड समझते हैं आप, सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। याद कैसे रखेंगे, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, तो इस तरीके से याद रखें आप। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे ये है कोई भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, उनमें इंडक्टिव इफेक्ट आपको मिलेगा। अब देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपके शिफ्ट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है। अब रिएजेंट में से जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इस तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो हम ये देख रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग में आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर बन रहे हैं, जिससे कि रिएजेंट को एक पाथ मिल रहा है कि कहां पे वो आपका अटैक करे, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। सेकेंड, दिस इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, affects the physical property. Physical property of the compound means कि dipole moment को effect करेगा, refractive index को effect करेगा, उनकी acidity या basicity को effect करेगा, तो वहां पे ये आपका effect करता है।
अगर ये देखिए, अगर हमारा ये हमने जैसे ये HCl बनाया, अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड है वो Cl से अटैच है, ठीक है. अब कार्बन, ये कार्बन Cl से अटैच है, उसके साथ एक और कार्बन है, उसके साथ एक और कार्बन है. देन व्हाट हैपन विद द इंडक्टिव इफेक्ट, उसके साथ क्या होता है कि ये Cl, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसको नेगेटिव फीलिंग आ गई, इसको पॉजिटिव आ गई. अब इसके कारण इसको, इसके पास भी थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट आएगा और उसके बाद ये किसी भी तरीके का इफेक्ट फील नहीं करेगा, बहुत वीक इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेकेंड कार्बन एटम, सिर्फ ये आपके दूसरे कार्बन तक ही ट्रांसमिट हो पाएगा, ज्यादा लॉन्ग चेन में ये आपका नहीं जाएगा. तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड, इसको ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, ट्रांसमिटेड क्वाइट ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ये आपका, बहुत छोटे दूरी के लिए ही ये आपका काम करेगा. मींस जैसे कि ये यहां से जुड़ा हुआ है तो बस फर्स्ट कार्बन पे तो बहुत अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, सेकंड पे आपका उससे और कम, और ये देखा गया है बाय द एक्सपेरिमेंट, सेकंड के बाद ये आपका इफेक्ट डिमिनिश, खत्म हो जाता है, ठीक है. तो ये आपका इफेक्ट थोड़े ही लॉन्ग चेन के लिए, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है, बेंजीन में आपको ये Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन इतना नहीं जा पाएगा, और वैसे भी नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड है. यही आपका इंडक्टिव इफेक्ट, आपका सिंगल बॉन्डेड जिनमें की एक सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे ये काम आता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट इस तरीके से, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये आपका दो तरीके का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई. अब मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बताऊं कि प्लस कहाँ आएगा. प्लस मीन्स हमें पॉजिटिव फीलिंग तब होती है, हमें तब अच्छा लगता है जब हम किसी को कोई चीज दे देते हैं. तो जब भी प्लस कहीं देखें आप तो ये समझें मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ये दे रहा है, ये बहुत बड़ा धन्ना सेठ है और इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है. इसने ले लिया, वो मैंने ले लिया, मेरे को इसकी कभी ना कभी मदद करनी पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फीलिंग आ गई इसके अंदर. तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट, मीन्स वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, प्लस आई इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. अब प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, देखिए टर्शरी कार्बन, ठीक है, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, है ना, इस तरीके से ये आपका चलता चला जाता है. और माइनस आई ग्रुप कौन से होंगे, जितने इनको छोड़कर, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, जितने मिथाइल ग्रुप को छोड़कर जितने भी बचे दुनिया में उनको आप ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, वो आपके कहलाएंगे माइनस आई ग्रुप. तो इसको और भी किस तरीके से याद कर सकते हैं, प्लस आई मींस जितने भी आपके कार्बोकेटायन है, जैसे कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ग्रुप, है ना, ये जितने भी ग्रुप है वो आपके प्लस आई और बाकी जो बचे माइनस आई ग्रुप. और वैसे आप कैसे कॉन्सेप्ट रखेंगे, माइनस आई मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस ग्रुप, प्लस आई मींस इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप. अब ये माइनस आई और प्लस आई क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, ये सब चीजें इससे पता चलती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दो कंपाउंड लिए, एच सी डबल ओ एच और सी एस थ्री सी डबल एच. अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, ठीक है, और इसको मैंने लिख लिया इस तरीके से. अब मैंने आपको बताया कि ये सी एस थ्री ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, राइट, प्लस आई मीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. अब यहां पे बहुत सारे, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यहां पे सेंट्रल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए. अब यहां से तो कहीं से डोनेशन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, विच वन इज मोर एसिडिक, राइट. अब एसिड क्या होते हैं, एसिड जो कि प्रोटॉन को देते हैं, ठीक है. अब यहां पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, अब ये कार्बन प्रोटॉन देगा या नहीं देगा, प्रोटॉन मींस पॉजिटिव आयन,
अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के इसके पास तो आ रहे हैं, अब क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अकुमुलेट हो गया है, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए, उसको हटाने के लिए उसको अपने एच आयन चाहिए। ये इतनी आसानी से अपने एच आयन नहीं देगा, बट ये आपके दे देगा, क्योंकि यहां पे सेंट्रल कार्बन पे कोई भी आपका अकुमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाला आपका लेस एसिडिक होगा और ये आपका मोर एसिडिक होगा। दोबारा से समझे इसको कि एसिडिक क्या होते हैं, विच गिव्स द प्रोटोन। अब प्रोटोन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये नहीं दे सकता क्योंकि इस पे यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जिसकी वजह से ये आपका इतनी आसानी से प्रोटॉन नहीं देगा, इतना अच्छा एसिड नहीं है, और ये आपका मोर एसिडिक है। तो देखिए आप कि बाय द इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन टेल विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक, है ना, लेस बेसिक, ये सब चीजें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट से हम पता लगा सकते हैं। और भी क्या चीज पता लगा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, एक तो एसिडिक एसिड बताया, डाइपोल मूवमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एज द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, एज द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस बढ़ता है जैसे जैसे, देन द डाइपोल मूवमेंट इंक्रीजेस, मूवमेंट इंक्रीजेस। अब कैसे पता चलेगा, जैसे कि मेरे पास CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है और नीचे जाने पे आपकी डिक्रीज होती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो एज द इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस, तो इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट आपका ज्यादा होगा। तो बाय द इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन टेल, हम बता सकते हैं कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, या हम उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से बता सकते हैं कि ये वाला जो सब्सट्रेट है वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने CH4 ले लिया और एक CH3Cl ले लिया, यहां पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उधर नहीं गई है, बट यहां पे ये क्या हो रहा है कि ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब रिएजेंट आएगा और जो भी रिएजेंट की नेचर होगी, जैसा उस पे चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो हम इस इंडक्टिव इफेक्ट से रिएजेंट को कहां अटैक करना है, कैसे करना है, ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद इसका छोटा भाई आता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, उसमें भी यही होता है, की शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी यही होता है। अब मैं तीनों के नाम एक साथ रखती हूं और कंपैरिजन करके आपको सिखाती हूं, तब आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। अगर हमने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, हमने कहा कि ये आपका सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में होता है और यहां पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो इसमें भी यही होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें भी यही होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट ये आपका होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। अनसेचुरेटेड समझे, मींस जिसमें कि आपके डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एस फॉर सिंगल एस फॉर सैचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड मींस जिसमें डबल होंगे और ट्रिपल होंगे। इसमें भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट ये भी आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड में होगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में होगा, मींस कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये जो इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये आपका परमानेंट मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो गए और पार्शियल चार्जेस आपके डेवलप हो गए, ये परमानेंट इफेक्ट होता है।
ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये भी आपका परमानेंट होता है, बट ये आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में होता है, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है. मीन्स यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरिक में होंगे, लेकिन ये आपके अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होंगे. इसको मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले मेसोमेरिक को डिस्कस करते हैं. मेसोमेरिक में मैंने कहा कि ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा, मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो मैंने एग्जांपल लिया सीओ का, ठीक है. अब सीओ डबल बॉन्ड है, आप सभी को पता है डबल बॉन्ड मीन्स एक आपका सिग्मा बॉन्ड है इसमें और एक आपका पाई बॉन्ड है. अब पाई बॉन्ड कैसा होता है, इन दोनों में से कौन सा टूटेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से मैंने यहां लिख दिया, ठीक है. अब क्या होगा, मैंने कहा यहां भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब इसमें छांटे जरा कि कहां पे आपका शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ ग्रुप में है आपका कार्बन, ये आपका सिक्स्थ ग्रुप में है. तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी. तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. अब शिफ्ट हो गए फिर वही कहानी हो जाएगी, इसने दिया तो इसको पॉजिटिव और इसने लिया तो इसको नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा. तो इस तरीके से यहां भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये चले गए और आपका शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. तो ये इससे कैसे फर्क हुआ, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड में हो रहा है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, और ये आपका सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में हो रहा है. अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपका अनसेचुरेटेड में होता है, लेकिन यही चीज पूरा यही फिनोमिना यही घटना होगी, लेकिन ये तब तक प्रोसेस होएगा, तब तक ये पूरा का पूरा घटना होगी जब आपके ये इलेक्ट्रॉन, जब आपका अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे काम करेगा. तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है. अटैकिंग रिएजेंट मीन्स कि जैसे जैसे रिएजेंट रहेगा तब तक तो ये इफेक्ट रहेगा, और जैसे ही रिएजेंट को रिमूव करेंगे ये इफेक्ट आपका चला जाएगा. तो इट्स ये जो है वो आपका टेम्परेरी थोड़े समय के लिए है, ये आपका परमानेंट की आपके एक बार स्टार्ट हुआ तो ये इफेक्ट आपका चलता रहेगा, और ये आपका टेम्परेरी थोड़े समय जब हमने अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव किया तो आपका ये खत्म हो गया. अब इन तीनों को कंपेयर करें अगर, तो इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में ये समानता है कि ये दोनों परमानेंट इफेक्ट है. इन दोनों में क्या समानता है कि ये दोनों अनसेचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में है. इन दोनों में क्या समानता है इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, इसमें कोई समानता अभी हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड में, ये डबल में, ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है. बट ये समानता है, ये तीनों के तीनों इफेक्ट सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को आपके इफेक्ट करते हैं. मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस तक आपका ट्रांसफर होता है. जैसे कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा बेंजीन के केस में, अब बेंजीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसके केस में हम क्या देखते हैं, डबल सिंगल ऐसे है ना. तो यहाँ पे चार्ज आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, यहां से यहां इस तरीके से जब आपके चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो ये आपका लॉन्ग चेन तक आपका चलता रहता है. अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम दिखाते हैं हाफ एरो से, ये साइन होता है इसका. आप सभी को बहुत सारे साइन होते हैं वो भी साथ साथ हम समझेंगे यहाँ पे. जैसे कि सबसे पहले सबसे इजी कि ये जो मैं ये वाला साइन जो मैं बना रही हूं ये क्या है, मींस कन्वर्जन है ना, सबस्ट्रेट रिएजेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में. अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये आपका रिजोनेंस, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप साइन समझिए है ना. हाफ एरो इस तरीके से, तो ये आपका है इंडक्टिव इफेक्ट राइट. और अगर हम इस तरीके से बनाते हैं मींस ट्रांसफर ऑफ दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूं ठीक, तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. आपके कोर्स में ये सब है कि किस तरीके से हाफ कर्व एरो क्या दिखाते हैं है ना, फुल कर्व क्या दिखाते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए किस तरीके के आपके साइन है.
एक ये भी देखा होगा आपने, है ना, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, राइट। ये तो सीधे कन्वर्जन है कि इससे आपका कन्वर्जन साइन है ना। तो ये बहुत सारे साइन हैं जिनसे हम ये पता लगाते हैं कि किस तरीके का आपका इफेक्ट है। ये भी आपके कोर्स में हाफ हेडेड एरो है ना, हाफ हेडेड एरो है ना, ये इस तरीके से। तो ये वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वैसे नॉर्मली आपके हमेशा ये बाई बाई दोनों साथ ही चलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेंगे, लेकिन कभी एक इलेक्ट्रॉन जहां बताओ कहां देखते हैं हम इस तरीके का, जैसे कि फ्री रेडिकल है ना, तो वहां पे इस तरीके का हम ये हाफ हेडेड एरो आपको दिखाई देगा, है ना। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका, मीजोमेरिक हो गया। अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक ट्रिक बताई आपको इंडक्टिव इफेक्ट में कि सारे कार्बोकेटायंस आपके प्लस आए और बाकी सारे माइनस आए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको प्लस मतलब तो वही है, प्लस मींस डोनेशन, ठीक, एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड माइनस मींस लेना, ठीक है, ये बहुत सेल्फिश है माइनस, इसीलिए इसका माइनस पॉइंट है, राइट, है ना। तो प्लस यानी कि प्लस वाले जो आपके डोनेट करेंगे, यहाँ पे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपकी बुक्स में दिए हुए हैं ना, OH, है ना। और यहाँ पे माइनस वाले हैं NO2, COO, HCHO, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एकदम से कि कौन सा ग्रुप प्लस आई है, प्लस एम है, कौन सा माइनस आई है, माइनस एम है, ये थोड़ा सा आपको रिमेंबर करके आपको लगाना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि क्योंकि कोई आपके इस तरीके के ग्रुप प्लस एम एंड माइनस एम आपके होते हैं। अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें उसमें भी इसी तरीके के प्लस ई और माइनस ई ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें आपके प्लस ई एंड माइनस ई, और इसमें तो अलग ही फंडा चलता है इनका, ये कि कौन से प्लस हैं, कौन से माइनस हैं, प्लस मींस डोनेशन है ना, वो चीज नहीं कि ग्रुप कैसे डिसाइड करें। जैसे कि सपोज मेरे पास, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अनसेचुरेटेड में होगा तो मैंने ये बनाया, है ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो ये बना दिया। अगर यहां पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर हो रही है जिधर ये एंटरिंग ग्रुप आ रहा है ना, यहां शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो रही है बिकॉज क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये एच इधर ऐड करता है रिएजेंट का, ये क्या है सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, अगर ये रिएजेंट का एच इधर ऐड होता है तो आपका उधर ही ऐड होता है जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है प्लस, ठीक है, ये माइनस इस पॉजिटिव है ना, तो ये आपका कहलाएगा, इसने यहाँ पे ये आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एडिंग हो गई है, तो इस तरीके से ये आपका कहलाएगा प्लस ई ग्रुप। और अगर मैंने यहाँ पे ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इधर ही होगी, और ये एंटरिंग ग्रुप वहां ऐड हो रहा है जहां उससे उल्टी डायरेक्शन में ऐड होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये इधर ऐड हो रहा है, तो वो आपका कहलाता है माइनस ई ग्रुप, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इफेक्ट तभी तक रहेगा जब तक ये रिएजेंट रहेगा। रिएजेंट क्या है, ये जो आपके आ रहे हैं यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ना, विच अटैक ऑन द सब्सट्रेट, जो सब्सट्रेट पर अटैक करेंगे, तो ये तभी तक पूरा का पूरा इफेक्ट रहेगा और तभी आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। तो ये तीन इफेक्ट है, तीनों भाई हैं, अगर मैं सम करूं तीनों का एक बार दोबारा से समझते हैं ना, तीनों में क्या हो रहा है, मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। अब ये आपका सिंगल बॉन्डेड में भी हो सकता है, डबल बॉन्डेड में भी हो सकता है। सिंगल में हो रहा है तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट, डबल में हो रहा है तो आपका मीजोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अगर पूरी परमानेंट शिफ्ट हो रहा है तो वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट, टेम्परेरी है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मीन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और प्लस अगर सिंगल है तो इंडक्टिव और डबल है तो वो दो, और नीचे वाला इलेक्ट्रोमेरिक आपका है टेम्परेरी इफेक्ट। और ये सब हम क्यों पढ़े रिएक्शन मैकेनिज्म में, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आपके सबस्ट्रेट में क्रिएट हो रहे हैं,
तभी तो जो रिएजेंट आएगा उसको पता चलेगा ना कहाँ आपने जाके ऐड होना है। जैसे सपोज मेरे पास ये है, अब इस पे कोई रिएजेंट आएगा, रिएजेंट जो है वो उसमें एक पॉजिटिव स्पीशीज होती है, एक नेगेटिव स्पीशीज होती है। अब यहां पे हमने इसको शिफ्ट करा, राइट, शिफ्ट करा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, राइट। अब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। ये सबसे इजी तरीका होता है। कोई भी आप जैसे कंफ्यूज हो जाए कि भाई कैसे प्रोडक्ट बनाना है क्या है, तो आप अपने सबस्ट्रेट में ढूंढे कि कौन सा पॉजिटिव पार्ट है कौन सा नेगेटिव पार्ट है, फिर रिएजेंट में ढूंढे। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पीरियोडिक टेबल में पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, हमेशा एक दूसरे की तरफ जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाना इससे पता चलता है। ये सारे इफेक्ट वहां आपको मदद करते हैं, इनके बिना आप नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा रिएजेंट का पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, राइट। इसके बाद आता है आपका एक और इफेक्ट जिसका मैंने साइन भी बनाया, रिजोनेंस। ये आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आपके कोर्स में तो आप इसको पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये फिनोमिना है, ये घटना है रिजोनेंस। अब ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है बेंजीन में, राइट। तो बेंजीन की अगर बात करें तो मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बना देती हूँ, राइट, और एक बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना, और एक बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाती हूं, और आप तीनों से आपसे पूछती हूं कि इन तीनों में से कौन सा सही होगा, क्या ये सही है, ये सही है, या ये सही है ना। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पार्शियली करेक्ट है, और ये इस स्ट्रक्चर की, सॉरी मैंने इसको ऐसे बनाया, इसको अगर यहां ऐसे ट्विस्ट कर दूं, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी पार्शियली करेक्ट है, और ये स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपका फुली करेक्ट है। फुली कैसे करेक्ट है भाई, ऐसे तो गोला बनाया, यहां तो हमने प्रॉपर बॉन्ड दिखाए। क्यों, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में तीन आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और तीन आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी होती है 1.34 डबल बॉन्ड की। अब जब साइंटिस्ट लोगों ने इस बेंजीन को उठाया और एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन में डाला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन क्या होती है, जिसमें हम उनके पूरी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, उनका स्ट्रक्चर कैसा है ये पूरा देखते हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको मशीन में डाला तो इन्होंने देखा कि इसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, और वो बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच की है, वो है 1.38 या 6 है ना, अलग अलग बुक में अलग दिया हुआ है, तो वो आपको मिलती है। तो इस तरीके से ये आपका इनके दोनों की बॉन्ड लेंथ इसके बीच की आपको मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे कार्बन कार्बन आपके बॉन्ड सेम है, जब इसमें सारी सेम दिख रही है इस मशीन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपके सेम है। तो इसका मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है कई बार ये यहां रहता है, कई बार ये जम करके इधर आपका आ जाता है, और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कि ये डीलोकलाइज मतलब ये पर्टिकुलर एक लोकल के रीजन के लिए आपके कभी इधर आ जाते हैं, कभी आपके इधर आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, रिजोनेंस, यही आपकी एक फिनोमिना है कि जब एक कोई स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं बता पाता, ये स्ट्रक्चर बेंजीन की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं बता पा रहा है, और ये भी नहीं बता पा रहा है, तो वी हैव टू ड्रॉ, तब हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते, और एक्चुअली स्ट्रक्चर उनका कहां होता है, वो इन सब स्ट्रक्चर के बीच में कहीं होता है, है ना। तो इस घटना को हम कहते हैं रिजोनेंस, जिसमें कि आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये मैंने बोला कि कहीं इनके बीच में ऐसा हमने गोला बना दिया कि कहीं वो इनके बीच में आपका होगा, तो इनके बीच में हम ऐसा साइन ये रिजोनेंस का लगाते हैं, है ना, यहां ये रिजोनेंस ना करके इस तरीके से कि दैट इज इक्वल टू दिस, ये आपका ऐसा रिजोनेंस फिनोमेना आपकी कहलाएगी, है ना। तो जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना आपका कंपाउंड स्टेबल होता चला जाता है।
तो हम ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपका ये रेजोनेंस जो है इसलिए पढ़ा जाता है कि जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उतना कंपाउंड स्टेबल होगा, उसकी रिएक्टिविटी को बता सकते हैं इस तरीके से हम। तो रेजोनेंस और इनके एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी एनर्जी वो लगभग सेम होती है ना। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस यहाँ पे पढ़ते हैं, ये भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, भाई ये रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। धन्यवाद।